सुपर फास्ट फ्यूचर्स क्लोजिंग स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं डिंपी कालरा। तो ठीक पहले 8:30 बजे हम प्री ओपनिंग स्पेशल लेके आते हैं और क्लोजिंग से ठीक पहले आपके सामने क्लोजिंग स्पेशल है फ्यूचर्स का, यानी कि बाजार भले एक दायरे के अंदर हो लेकिन आपको बेहतर से बेहतर कॉल आपको दिलवाते हैं और उम्मीद करते हैं रिटर्न लगातार आपका बढ़े। इसलिए इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हर रोज 2 बजे आपके साथ फिर जुड़ेंगे और आपके सामने कुछ एक ऐसे ट्रेड रखेंगे जो महज 1 से 1.5 घंटे की मुनाफे की कॉल होंगी, या ज्यादा से ज्यादा आप इसको 24 घंटे रखिएगा, नहीं तो सौदे काट के भले आप बाहर आ जाइएगा, उम्मीद तो करते हैं जोरदार आपको मुनाफा होगा। सुबह 8:30 बजे जो हमने कॉल दी थी, एक बार पहले उसका रिटर्न कार्ड आपको दिखा देते हैं, उसका कैसे रिटर्न मिला है। आज सुबह इंडिया सीमेंट आपको दिया था 1.5% तेज, 10,000 रुपए यहां से आपको बने होंगे पर लॉट के हिसाब से। जेट एयरवेज के अंदर करीब करीब 6,000 रुपए। PVR हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा टूट गया, लाल निशान में आ चुका है, लेकिन एक खुला था और वहां से करीब 15 से 16 रुपए चला, तो 7,500 रुपए की कमाई यहां पर भी आती हुई दिखी है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स भी हैं, जैसे भारत फोर्ज आपने देखा होगा यहां पे करीब 6,000 रुपए और बॉश के अंदर करीब करीब 7,500 रुपए का बेनिफिट आपको हुआ है। 1 से 1.5% तक चली सारी कॉल्स हैं, लेकिन सभी कॉल्स को अगर आप जोड़ लेंगे तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा, करीब करीब 50,000 रुपए तक का मुनाफा अब तक इन सभी फ्यूचर्स की कॉल से होता हुआ दिखा होगा। तो इसलिए सुबह 8:30 बजे और अब 2 बजे हम आपके क्लोजिंग के लिए भी यही स्ट्रेटजी लेके आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं जो आज ही क्लोजिंग होगी यही रिपोर्ट कार्ड आपको हम कल आपके सामने लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि कल की जो क्लोजिंग कॉल्स हैं उससे आपको कितना फायदा हुआ है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, 2 फोन लाइन से और एक लाइव गेस्ट हमारे साथ होंगे, किरण जाधव और JK जैन मेरे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में समित चौहान भी होंगे, उनसे हम पूछेंगे अब क्या करना है। निफ्टी पर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बैंक निफ्टी पर क्या करना है उनसे शेयर भी पूछेंगे, अगर आप शेयर नहीं ट्रेड करना चाहते तो ऑप्शन पर भी ध्यान रखिएगा, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात जेके से शुरू करते हैं और उसके बाद किरण जाधव को भी जोड़ लेंगे। आज मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आया है, ये डाटा अपनी ग्राफिक्स पर देख ही पा रहे हैं, चलता रहेगा ग्राफिक फॉर्म में और एक करीब 0.5% दोनों के अंदर ही, बिल्डअप के अंदर और प्रीमियम के अंदर आज आपको निफ्टी के फ्यूचर्स में आता हुआ दिखा है। जेके शुक्रिया समय देने के लिए। निफ्टी पर क्या करेंगे, आपने जो हमको कंडीशन दी थी कि 9630 के ऊपर निफ्टी को थोड़ा प्लस होना चाहिए, चलना चाहिए, वो तो चल रहा है सर, 9630 पार हो गया, अब तो 50 के आसपास आ गए हैं, नया टारगेट क्या है सर निफ्टी का? बाय करना चाहिए यहाँ पे भी, आई थिंक ऊपर में 9700 क्रूशियल रहेगा, स्पॉट लेवल्स में बता रहा हूँ। अगर ऑप्शन आंकड़े देखेंगे तो 97 में स्लाइड शेड ऑफ हुआ है ओपन इंटरेस्ट, बट टीयर कट नहीं बता रहा है कि 97 के ऊपर निकल के सिग्निफिकेंट हाइट रहेगा, तो ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बाय साइड ही रहना चाहिए, मौजूदा भाव पे बाय कीजिए, डिप मिलता है 10-15 पॉइंट का तो भी बाय करने के लिए सलाह दूंगा। अभी स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर लेना बेटर होगा, 9610 का एक स्टॉप लॉस ला के इसमें बाय करने के लिए सलाह दूंगा, 9700 ही मेरा लक्ष्य रहेगा, वो क्रॉस करेगा तभी इसमें और जान रहेगी इस ट्रेंड में, तो तब तक 9700 अभी भी चल रहा है, 97 के टारगेट के लिए बाय करने के लिए। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है कंफ्यूजन को कर दीजिए दूर और आ जाइए क्लैरिटी पे। क्लैरिटी ये कहती है कि 9630 के ऊपर निफ्टी अगर अभी और टिका रहता है आपको सौदों को काटना नहीं है, ये प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। अगर आपने कोई सौदा नहीं लिया आप सौदा भी ले सकते हैं 9580 का एक स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी पर, तो निफ्टी को लेकर अब कन्फ्यूजन नहीं बल्कि क्लैरिटी है। ये आपके सामने निफ्टी की कॉल है जो कि अगले 1.5 घंटे के लिए है और कल तक भी उम्मीद करते हैं आपके टारगेट को जरूर हिट कर देगी। मेरे साथ किरण जाधव भी हैं, किरण आपका टारगेट क्या है निफ्टी पर सर? 7.0 और उसके बाद 9690 और जब मैंने कॉल दिया था तो निफ्टी का ट्रेड कर रहा था 9625 पे, अभी 9645 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस जो 9600 का है वो 9620 या 9625 भी कर सकते हैं। ठीक है, 9670 तक आ जाएगा, हालांकि यहाँ से आपको और लेवल्स और भी मिल जाएंगे, 9680 तक भी अपने आप सौदे को ड्रैग करके लेके जा सकते हैं और इन्होंने स्टॉप लॉस आपको 9600 का दिया है, तो मोटा मोटी अब जो रेंज है वो 9580 से लेके 9600 के, ये स्टॉप लॉस की रेंज है। टारगेट भी हम 9700 की तरफ बढ़ेंगे, ये क्लोजिंग में भी आपको सौदों को नहीं काटना है, थोड़ा रुक जाइएगा। समित चौहान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी निफ्टी का आउटलुक लेते हैं। समित शुक्रिया समय देने के लिए, आपका निफ्टी का आउटलुक क्या है, टारगेट क्या है ये क्लोजिंग के लिए और अगले कल तक के लिए भी सर? देखिए डिम्पी ओवरऑल अगर अभी मैं आ रहा हूँ, लेकिन समय आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन अमित चौहान तो पूर्ण योगदान रहा है, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, दलित और दबे कुचलों के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहे हैं। रामनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी में अनेक प्रकार के पद पर
जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते आज वो लगभग 3 साल से बिहार राज्य के गवर्नर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं और रामनाथ जी हमेशा से गरीब समाज के साथ, देश के गरीबों के साथ, पिछड़ों और दलितों के साथ जुड़े रहे हैं। एक गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष करकर दलित परिवार के बैकग्राउंड के साथ इतने ऊंचे मकाम पर रामनाथ जी सार्वजनिक जीवन पर पहुंचे हैं और हमने आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ जी का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है। तो एनडीए के सभी साथी दलों की ओर से श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। नाम तय करने से पहले भी हमने देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। आज नाम तय करने के बाद एनडीए के सभी साथियों को भी सूचना की भी गई है, सूचना हो भी रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से बात की है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात की है, वरिष्ठ नेताओं से बात की है और सबको ये नाम हमने आज इन्फॉर्म किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आशा करते हैं कि दलित समाज से संघर्ष करकर, गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष करकर सार्वजनिक जीवन में उतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने वाले रामनाथ जी सर्वसहमत प्रत्याशी होंगे, इसलिए हम सब लोग आशा करते हैं। अभी तो हमने इन्फॉर्म किया है, वो अपनी पार्टी के साथ चर्चा करकर आगे बताएंगे। नामांकन की तिथि तो रामनाथ जी से चर्चा करकर तय करेंगे, मगर बड़ी बड़ी जो अभी सोच बनी है 23 तारीख को नामांकन होने की संभावना है। एक एक कर ना, अभी कोई विचार नहीं हुआ उपराष्ट्रपति पर। संदेश तो मैंने दे दिया जो देना है, अब आप निकालते रहिए। अभी हमने इन्फॉर्म किया है। ओके जी, वो आपको बताने के लिए नहीं है कितने नामों का चर्चा हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई थी उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने कहा था कि आप पहले नाम तय करके बताइए, आज उनको नाम बता दिया गया। सभी से हमारे वरिष्ठ नेता संपर्क करेंगे, 1-1.5 घंटे में सभी से चर्चा विचार हो जाएगा। हिमांशु जी, हमने तो बहुत आशा के साथ फोन किया है। एनडीए में सहमति बन पाएगी सर? एनडीए में है, एनडीए आपके अपने पार्टी के अंदर सहमति बन पाएगी जितने भी? मुझे लगता है बाय एंड लार्ज सभी लोग सहमत है। ये आपको मैं बता नहीं सकता। अमित शाह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि जेडीयू भी, क्योंकि पुलिस साहब बिहार से गवर्नर है, जेडीयू सपोर्ट करेगा? आपके सवाल का एड्रेस गलत है, जेडीयू को पूछना चाहिए। नहीं, मैं किसी और पार्टी के मत क्या करेंगे इस पर मत प्रकट करना नहीं चाहूंगा। बोलिए, आप बोलिए। सोनिया गांधी जी का रेस्पॉन्स क्या था? नहीं, उन्होंने बताया है कि हम पार्टी के और बाकी दलों के साथ चर्चा विचार कर बताएंगे। सबसे बात करने वाले हैं। सर, टीएमसी ने महिला के नाम पे कहा, मैं तो आशा करता हूं कि
सभी लोग सर्वसहमति करेंगे। चलिए आप ठीक है, तो बिल्कुल फिर से बीजेपी ने सरप्राइज किया एक नए नाम के साथ। बड़े बड़े नामों की घोषणा की लिस्ट बनाई जा रही थी, लेकिन एकाएक सभी को गूगल करके रिसर्च करना होगा कि ये रामनाथ कोविंद आखिर हैं कौन, क्योंकि धीरे धीरे करके हमें जानकारी आ रही है कि एकदम से सरप्राइजिंग सा नाम कैसे आ गया। वैसे मेरे प्रोड्यूसर मनीष कह रहे थे कि अब ये इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस भी इनको सपोर्ट कर सकती है। एक तो ये बीजेपी दलित मोर्चा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1998 से लेकर 2002 के बीच में, राज्यसभा का अच्छा एक्सपीरियंस है, दो बार राज्यसभा में रहे हैं और अभी तत्कालीन और राज्यपाल हैं बिहार के। तो उम्मीद यही है कि सर्वसम्मति से यहाँ पे बात बन जाएगा। पेशे से वकील हैं, दिल्ली में अच्छी प्रैक्टिस की है, दिल्ली बिहार दोनों का अच्छा एक्सपीरियंस है जहाँ से राजनीति पूरी तौर से चलती है, और उत्तर प्रदेश से इनकी इनकी कर्म भूमि कह सकते हैं, क्योंकि दो बार राज्यसभा से यहीं से आए हैं, एक बार 1994 से लेकर 2000 के बीच में और 2000 से लेकर 2006 के बीच में। तो बीजेपी ने एक तुर्क का इक्का फेंक दिया, शायद लगता नहीं है कि किसी की तैयारी होगी और ऐसी तैयारी में शायद कोई पलटेगा नहीं, तो सर्वसम्मति बनने की बात है। और जैसे पत्रकार पूछ भी रहे थे ना कि इशारा बताइए संदेश क्या है, तो संदेश तो लगता है कि सभी को समझ में आई क्या होगा कि बीजेपी क्या चाहती है इस बार के चुनावों में। 2019 का चुनाव भी काफी हद तक साधा ही जा रहा है ये राष्ट्रपति चुनावों के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप ही सब कुछ और ट्रेड्स पे आ जाते हैं। ऑलमोस्ट हमने निफ्टी के आंकड़े आपके सामने रख दिए थे, निफ्टी चल रहा है और शायद और भी चलेगा, ये 50 तक तो पहुंच ही चुका, अभी थोड़ी देर पहले तक 55 का भी स्पॉट हमको आंकड़ा दिख गया था। अब वापस कुछ ट्रेड पे आते हैं। समित, एक तो आपने निफ्टी पे अपने आउटलुक दीजिए हमको, ये क्लोजिंग तक हमको निफ्टी कहाँ मिलेगा या फिर कल तक निफ्टी कहाँ मिलेगा, फिर शेयर्स पे मैं पूछना शुरू करता हूँ सर आपसे। देखिए डिम्पी, लास्ट कुछ दिनों से अगर देखें तो निफ्टी कंसल्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, ज़्यादा बड़े एग्रेसिव टारगेट्स नहीं है अभी भी। 9700-9720 एक मेजर रेजिस्टेंस है। आज थोड़ा अगर हम देखें तो 9600 के कॉल ऑप्शन में हम देख रहे हैं थोड़ा ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा शेड हो रहा है, तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है जो कॉल राइटर्स थे वो यहाँ से पोजिशन हटा रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा और हम 9700 के आसपास तो एटलीस्ट पहुंच सकते हैं। और ऑन दी पुट ऑप्शन साइड 9600 के अगर हम पुट राइटर्स देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम और थोड़ा एक्सटेंड होगा। बट ज्यादा एग्रेसिव टारगेट्स मत रखिए, 97-9720 के आसपास पोजीशन हल्की कीजिए अभी फिलहाल, 9620 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। जिनके पास निफ्टी है एक बार निफ्टी को रख सकते हैं, 96 मोटा मोटी एक ऐसी रेंज है जहां पे स्टॉप लॉस बन जाएंगे, 97 टारगेट होना चाहिए। समित चौहान की एक ऑप्शन की कॉल भी है, 9600 की कॉल, ये हमने आपको सुबह भी दी थी, उसमें तो मुनाफा आपको हो ही रहा होगा, ये मुनाफा और बढ़ेगा, आप रहिए इसमें, 125 तक का टारगेट है, 64 का स्टॉप लॉस है, ये ऑप्शंस ट्रेड हो गए। अब बिल्कुल स्टॉक्स पे आ जाते हैं, आपके सामने शेयर्स रखना शुरू करते हैं। जेके, आज आपकी तरफ से पहला शेयर कौन सा है, बाय या सेल, कोई भी दे सकते हैं एक शेयर। मैं एस्कॉर्ट बाय करने के लिए सलाह दूंगा, अगर ये स्टॉक देखिए करीब 6-7% का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है आज के ट्रेड में, और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से करेक्टिव मूव दिया है और 21 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके आज बाउंस बैक भी दिया है, तो हमें लगता है कि अपना ये शॉर्ट टर्म जो करेक्शन है वो हो चुका है, स्टॉक में अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है, तो 735 का इस पर टारगेट, 735 का है। अच्छा जेके, आपकी क्या वोल्टास पे या फिर अदानी पोर्ट पे भी कोई रिकमेंडेशन है? हाँ, वोल्टास पे मैं सेल करने के लिए सलाह दूंगा, देखिए कंसोलिडेशन, स्मॉल कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकडाउन दिया है जिसका टारगेट 460 तक आ सकता है, जो अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में अचीवेबल है मैक्सिमम, तो मेरे हिसाब से यहाँ शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं 482 का एक स्टॉक होल्ड स्टॉप लॉस ला के। अदानी पोर्ट में भी आई थिंक स्टॉक ने 52 भी खाई दिया है लाइफ टाइम हाई पे, तो आई थिंक मोमेंटम अच्छा है, बीटीएससी के हिसाब से ले सकते हैं, 380 का इसका लक्ष्य होगा और नीचे में 365 का एक स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, अब अगर आपको सेल कॉल देख रहे हैं तो वोल्टास को सेल कीजिएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर है कि आप स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि बाजार थोड़ा रिदम में है, ये शेयर बाजार के बिल्कुल उलट चल रहा है। वोल्टास ये 482 का स्टिक स्टॉप लॉस आपको इसमें जरूर रखना है, ध्यान रखिएगा 460 तक फिसल के आएगा। ये अदानी पोर्ट भी आपकी अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर भी आपसे एक ट्रेड ले सकते हैं, ये वोल्टास 482 का स्टॉप लॉस और अदानी के अंदर 367 का स्टॉप लॉस, एक बाय और एक सेल कॉल आपको मिली है। चाहे तो एस्कॉर्ट्स भी प्लस कर सकते हैं, 700 के ऊपर के टारगेट आपको मिल जाएंगे एस्कॉर्ट्स के अंदर। किरण, आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल कौन सी है, कौन से शेयर है सर आपकी तरफ से जो क्लोजिंग और कल तक हमको अच्छा मुनाफा देंगे?
दिल्ली जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा जहाँ पे टाटा एलेक्सी बाय करने की सलाह होगी। अप्रैल महीने से हम देख रहे हैं करीबन 1600 लेवल क्रॉस करने के लिए दिक्कत दे रहा था ये स्टॉक। आज पहली बार इसने 1600 लेवल बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है और सवेरे जो क्रॉस किया है तो कंसिस्टेंटली उसके ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस 1590 का रहेगा और टारगेट कल सवेरे तक 1670 के देखने को मिल जाने चाहिए। 1670 तक कल टाटा एलेक्सी आ जाना चाहिए। वैसे अभी तक इसने सरेंडर नहीं किया, आज सुबह से उसने 1600 की रेंज पार की, अभी तक मेंटेन है, हो सकता है क्लोजिंग में मूव आ जाए, कल तक तो आ जाना चाहिए। 1670 का टारगेट है, जो भी लेना चाहते 1590 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। आपका दूसरा शेयर हिंडाल्को है क्या किरण? हिंडाल्को बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न है और अगर ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखते हैं तो अच्छे खासे होते नजर आ रहे हैं। अभी ओपन इंटरेस्ट एडिशन के करीबन 4% राइज देखने को मिला है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक हायर बॉटम बनाया अभी इमीडिएटली। 196 का स्टॉप लॉस रहेगा और 205 का शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा, पर मेरा मानना है कि 205 नहीं 208-9 तक भी जाने की उम्मीद है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार समित चौहान से पूछ लेते हैं। समित, आपके रिकमेंडेशन क्या है स्टॉक स्पेसिफिक? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा स्टील होगा, मेटल काउंटर्स में हम अच्छा खासा बज देख रहे हैं आज, और टाटा स्टील एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है विद इन दिस स्पेस। टेक्निकली देखें तो ये इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग अ ब्रेकआउट, और अगर आप थोड़ा बहुत फ्यूचर डेटा भी देखें तो आज इसमें अच्छे खासे बिल्टअप हम देख रहे हैं, लॉन्ग बिल्टअप देख रहे हैं, 6-6.5% का ऑलरेडी बिल्टअप हो गया है। तो इसमें स्टॉक में स्ट्रेंथ काफ़ी दिख रही है और हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। 527-529 के इसमें टारगेट्स होंगे टाटा स्टील में और 508 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा भाई बजाज ऑटो में होगा, जो आज एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा है, बट 2800 अच्छा सपोर्ट बना है, तो उसके स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2920। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अडानी पोर्ट जो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया हुआ है उसने, तो इसका आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा फॉर अ टारगेट ऑफ 379, इसमें पोजीशन ली जा सकती है, स्टॉप लॉस 365.50 का होगा। तीनों शेयर बता दिए, तीनों के तीनों आप नोट कर ले। पहला तो टाटा स्टील है, ये 527 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा और आपको 508 का एक स्टॉप लॉस रखना है। नोट कीजिएगा, 527 का टारगेट, 508 का एक स्टॉप लॉस रखना है। इसके एक ऑप्शन भी है, टाटा स्टील के ऑप्शन भी दिखा दीजिए, अगर कोई शेयर सीधा नहीं लेना चाहता, एक ऑप्शन भी आपके सामने रखते हैं। 520 की स्ट्राइक की कॉल है, ये आपको लेनी है, 8.5 से 9 रुपये के बीच में मिल जाएगी ये। 14 रुपीज़ का टारगेट लगाइए, 6 रुपये का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। शेयर लेना है नहीं लीजिए, आप ऑप्शंस भी इसके अंदर ले सकते हैं। अदानी पोर्ट 379 तक का टारगेट रख के इस शेयर को प्लस कर सकते हैं आप, ये अभी भी सुमित ने हमको कॉल दी है। ये सारी कॉल्स ना क्लोजिंग तक या फिर कल तक ही है, परसों हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, इसलिए टारगेट स्टॉप लॉस आप बिल्कुल नियर बाय देख पा रहे होंगे। 382 का टारगेट होगा अदानी पोर्ट्स पे, 79-82 का तक का टारगेट है। और एक और शेयर उन्होंने दिया बजाज ऑटो, इस पे भी आप ध्यान रखें, 2920 तक ये शेयर आ सकता है, 2800 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। तो ये सारे के सारे शेयर्स उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिए होंगे। तीन समित की कॉल्स हैं, टाटा एलेक्सी हिंडाल्को किरण जाधव की कॉल्स हैं और जेके की कॉल्स सेल वोल्टास बाय अदानी पोर्ट एंड बाय एस्कॉर्ट्स, ये सारी कॉल्स आपके सामने चलती रहेंगी, आप नोटिस करते चलिए। अब मैं बिल्कुल स्टॉक ऑप्शंस पे आ जाता हूं। जेके, आपकी रिकमेंडेशन क्या है स्टॉक ऑप्शंस में? ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम भी देखेंगे तो पिछले हफ्ते का जितना वॉल्यूम हुआ है आज एक ही ट्रेड में हो गया है, तो क्लियरली दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक्युमुलेट कर रहा है। 25% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, 1700 का कॉल में डबल हो गया ओपन इंटरेस्ट, ढाई गुना हो गया है, तो क्लियरली लगता है कि मोमेंटम कैरियर होगा। 15-16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है 1700 का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे बाई करने के लिए सलाह दूंगा। 30 रुपए का इसका टारगेट लगाइए, 11 रुपए का इसका स्टॉप लॉस। ये टाटा एलेक्सी की कॉल है, 1700 की कॉल है स्ट्राइक की, अभी आपकी किरण ने आपको ये शेयर भी दिया था, आप अगर फ्यूचर नहीं लेना चाहते मत लीजिए, ये सस्ता और अच्छा सौदा आपको मिल जाएगा, 1700 की कॉल ले लीजिए, ये 15-17 रुपए में मिल जाएगी, 30 रुपए का टारगेट, डबल का टारगेट है, 5-6 रुपए नीचे सौदा काट दीजिएगा अगर शेयर नीचे आ जाता है तो। आपको स्टॉप लॉस रखना चाहें 1590 या फिर 1580 का भी रख सकते हैं, अगर इस सौदे को आप रखना चाहें तो टाटा एलेक्सी को रख सकते हैं। जेके, आपकी तरफ से सारी कॉल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। किरण, कोई और कॉल आप स्टॉक्स की देना चाहते हैं, स्टॉक ऑप्शंस? जी, पावर कॉम्पन गीज पावर है, यहाँ पे बहुत अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक चल रहा है। मेरा मानना है कि इधर कॉल ऑप्शन लेके चलना चाहिए, 85 स्ट्राइक प्राइस का, करीबन 2 रुपए 20 पैसे 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा है अभी और उसका टारगेट करीबन 4 रुपए होगा,
जो कि कल तक आ जाना चाहिए, और स्टॉपलॉस के लिए 1.70 रुपए का लेवल रहेगा। ठीक है, 1.70 रुपए का एक स्टॉपलॉस लगाइएगा, 2.5 रुपए की कॉल मिल जाएगी, 85 की कॉल है ये, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर के नाम से है, 2.5 रुपए की कॉल मिलेगी, 85 की कॉल है, 4 का टारगेट लगा लीजिए, 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस, ये ऑप्शंस भी आपको मिल गई होगी। और समित की तो मैं टाटा स्टील के ऑप्शन ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, तो काफी सारी कॉल्स, काफी सारे ट्रेड फ्यूचर्स के अंदर आपको मिल चुके हैं, उम्मीद करते हैं अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पे जरूर होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का आउटलुक देखेंगे और उसका अंतिम बाजी होगा। नमस्कार।